तो रेडी पटरी वालों को पहले कहा जाता था अतिक्रमणकारी है, अब भारत सरकार कह रही है स्वरोजगारी है। तो इसका उद्देश्य कहीं ऐसा तो नहीं 2024 के चुनाव को भी टारगेट कर लिया जाए और हर जगह लिख दिया गया है मोदी की गारंटी? बिल्कुल, आज मोदी जी अपने आप में गारंटी है पूरे देश के लिए, इसीलिए मोदी की बात पर हर व्यक्ति विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी ने आज तक जितने भी टारगेट लिए हैं वो सब टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं। कोविड के दौरान हमारी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि तिनके को सहारे की जरूरत है। मोदी सरकार तिनके का सहारा दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, कैलेंडर की नहीं। हाँ, सिलेंडर भी मिला, मकान भी मिला, दुकान भी मिला, प्लाट भी मिला, सब कुछ मिला। प्लॉट नहीं नहीं हमें कुछ नहीं दिया जी। यूज़ किया था आपने पिछले बार जो 10 रुपये मिले? हाँ यूज। क्या करते हैं आप? फरूट का काम करते हैं। मोदी जी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू तो है ही, मोदी जी को तो थैंक यू सबसे ज़्यादा है। तो फिर किसको वोट दोगे फिर आगे? हमारा तो शुरू से हमारे दादा परदादा बीजेपी वाले हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी गारंटी चलेगी जो भी नेतृत्व तो। पर भाजपा की गारंटी लिखनी चाहिए थी ना, कोई बिचौलिया उसके बीच में ना आए। वो चाहते हैं कि सीधी जो योजना है वो अंतिम छोर के जो तक व्यक्ति बैठा है उसको मिलनी चाहिए। आपने कितने का लोन लिया, क्या आपने उसको रिवर्ट भी किया नहीं किया ये बताइए। नहीं, 10,000 का लोन लिया था, फिर उसमें मैंने उसे कोश्त के अनुसार उतार दिया जैसे उनकी किस्त थी। अब उसके अनुसार अगर हम 10 का उतार देते हैं फिर हमें 20 का मिल जाएगा। मिला आपको? अभी नहीं मिला, मैंने अप्लाई नहीं किया अभी। फिर अप्लाई नहीं? ना, अभी अप्लाई जरूरत ही नहीं होगी। नहीं, जरूरत करेंगे अभी आगे। अभी प्रति व्यक्ति आय तकरीबन कितनी हो जाती होगी, एक महीने में कितना अर्निंग हो जाता होगा खोखा के इस तरीके से काम करके? भाई कम से कम 500-700 रुपये तो रोज के बन ही जाते हैं, रोज की हमारी इनकम 500-700 रुपये। फिर 10,000 लोन लेके क्या फायदा, फिर उससे क्या क्या कर लेंगे? उससे ऐसा है जी, अपने जो भी थोड़ा बहुत सामान की कमी रहती है उससे पूरी पूर्ति हो जाती है। 1,00,000 रुपया लीजिए फिर इससे। क्या करते हैं आप? हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन में नमकीन के ठेले लगाते हैं। मेरा नाम लालचंद है, मैं कोविड के टाइम पे परेशान हो गया था, ये स्कीम चली 10,000 की प्रधानमंत्री की तरफ से कि आपको लोन मिलेगा। मैंने लोन लिया, अपना काम किया जी, अब काम हमारा सही ढंग से चल रहा, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और भी दोबारा नहीं लोन लिया आपने? नहीं, मैं 20,000 का ऑफर आया था, मैंने लिया नहीं जी। जब आप ये कोविड की बात तो होगी 2 साल पुरानी, अब 2 साल के बाद आपने 10,000 रुपये में अपना धंधा शुरू कर दिया, चल भी गया, इसके बाद दोबारा लिया भी नहीं आपने? नहीं, अभी तो नहीं लिया जी। आपने भी नहीं? मैं पंदी पार्किंग से, मेरा नाम राजकुमार एंथनी है। कोविड के दौरान हमारी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि तिनके को सहारे की जरूरत, क्योंकि स्थिति हमारी दयनीय होगी। एक तो हम तो रोजगार नहीं, ऊपर से हम पे खाने को नहीं, तो मोदी जी ने हमारे लिए 10,000 रुपये की लोन की जो योजना चलाई उससे हमने लोन लिया, अपना कारोबार व्यवस्थित किया, उससे हमें बड़ा सहारा लगा। हमने 10 का देने के बाद 20 का अप्लाई किया है और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। कितना परसेंट ब्याज देना पड़ता है आप लोग को? ब्याज तो न्यूनतम है जी। कितना? नाम मात्र में खर्च लगभग 10,000 रुपये, 650 रुपये है। अच्छा, 1 साल में जी। तो आप जब 10,000 रुपया ले करके क्या व्यापार हो जाता है, सवाल ये है? नहीं, क्यों नहीं होगा, डुप्लीकेट के भाई तिनके का सहारा बहुत होता है। हाँ, मोदी सरकार तिनके का सहारा दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है आपका? मेरा नाम पूनम माकन है, मैं हरिद्वार विधानसभा सत्रीसी मंडल अध्यक्ष हूँ और हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की भी अध्यक्ष हूँ मैं। पिंक वेंडिंग जोन हमारी मोदी जी की योजना के माध्यम से ही मिला हमें, हमारे को 100 बहनों को रोजगार दिया मोदी जी ने, तो उसमें हम अपना व्यापार चलाते हैं। और हमें मोदी जी के माध्यम से 10,000 का लोन मेरे को मिला था, 10,000 का ही मेरे बेटे को मिला था और 10,000 का ही मेरे हस्बैंड को मिला था, हमने 30,000 रुपये। इसमें ऐसा भी है कि एक ही परिवार के 4 सदस्य व्यापार के लिए पैसा ले सकते हैं? देखिए, हमें तो मिला था क्योंकि मेरे बेटा अलग व्यापार करता है, उसका अपना अलग परिवार है और मैं और मेरे हस्बैंड अलग, दुकानें हमारी अलग अलग, मेरी चूड़ी माला की है, उनकी कन्फेक्शनरी की है, तो इसके माध्यम से हमें अलग अलग लोन मिल गया था, क्योंकि जो अलग अलग व्यापार चलाते हैं तो उनको अलग अलग लोन है। मतलब ये कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं और 5 लोग अलग अलग व्यापार करते हैं तो अलग अलग 10,000 रुपये ले सकते हैं? ले सकते हैं। उसके माध्यम से हमें पहले 10,000 रुपये मिला, हमने अपना कारोबार चलाया, फिर हमें 20,000 रुपये मिला, अब मेरे हस्बैंड को 50,000 मिल गया है, मैंने और मेरे बेटे ने 50,000 का अप्लाई कर रखा है, वो भी हमारे को भी 2-4 दिन में मिल जाएगा और बैंक बहुत अच्छे से भी लोन दे रही है, दिक्कत नहीं होती। तो हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमें सभी भाइयों को बहनों को बहुत अच्छा से रोजगार चल रहा है, आगे हमें बढ़ के ही लोन मिलेगा, कम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बैंक कहती है सही से अगर आप रोजगार सही से पेमेंट करते रहेंगे, सही से किस्त देते रहेंगे तो आपको आगे आगे बढ़ बढ़ के ही लोन मिलेगा, 10 लाख तक का लोन मिल दे सकते हैं आप लोग। किस्त अगर जमा नहीं कर पाए तो क्या करते हैं?
सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि पूछ रहा हूँ किस्त अगर जमा कोई नहीं कर पाया, मान लीजिए कोई व्यापार शुरू किया, व्यापारी खराब हो गया, क्या करते हैं फिर? अगली बार डबल कर देंगे, लेकिन ऐसा हमारे साथ तो अभी हुआ नहीं है। क्या बोला आपने? डबल कर देते हैं। डबल नहीं, जब मान लीजिए 10,000 रुपया लिया और चुका नहीं पाए, व्यापारी खराब हो गया। नहीं उसमें तो ऐसा तो नहीं है, हमने जमा ही किया है। आपने जमा किया, जिन्होंने नहीं जमा किया उनसे बात कर लेता हूँ मैं। आपने जमा किया हुआ? हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये सूचना है इसमें गैस सिलेंडर वगैरह आपको मिला नहीं मिला? हम तो बांटते हैं खुद, एलईडी जो है हमारी रथ है। छोड़ दो नेता, मतलब जनता तो ही ना आप। आपको मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला, हमें तो सब कुछ मिलता ही रहता। क्या क्या मिला? कैलेंडर भी मिला, बुक भी मिली। नहीं नहीं, मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, कैलेंडर की नहीं। हाँ सिलेंडर भी मिला, मकान भी मिला, दुकान भी मिला, प्लाट भी मिला, सब कुछ मिला। इनको प्लाट, प्लाट कौन दिया? प्लाट सरकार ने दिया। प्लाट दिया? प्लाट नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं दिया जी। ना ना हमें कुछ नहीं दिया, हम तो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे जी हम तो। वही तो मैं कह रहा हूँ, मिला क्यों नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये तो बात है, उसे कैसे मिल गया प्लॉट जब हमें नहीं मिला? जब हमें नहीं मिला तो उसे कैसे? ये जो बुकलेट बांट रहे हो, तुमको कुछ मिला कि नहीं मिला आज तक? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं मिला जी, हम तो नौकरी कर रहे हैं, बांटने पे ही बस हम। मिला कुछ नहीं? नहीं मिला कुछ नहीं है। जब घूम रहे हो साथ में तो बोल दिया होता ना भाई मुझे भी दे दो, मैं बांट तो रहा हूँ, सबको ज्ञान दे रहा हूँ। रोजगार कैसे मिला जी? फ्री में काम कर रहे हो? नहीं नहीं रोजगार तो मिला है, लेकिन वो बात ठीक है, रोजगार वो नहीं मिला ना जो मिलना चाहिए था। क्या चाहिए तुमको? क्या चीज, क्या रोजगार चाहिए बताओ? रोजगार कुछ अपना होना चाहिए ना, कि जो हम कुछ अपना करके बैठे हैं या कुछ अपना हो। अब हम तो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, अपना कुछ भी हो, छोटा मोटा काम हो जो हम कर सकें। ठीक है, पढ़ाई का काम जानते हो? पढ़ाई का काम जानते हो? कारपेंटर का काम? हम कंप्यूटर कढ़ाई का काम करते थे जी, कंप्यूटर कढ़ाई का काम करते थे हम। कंप्यूटर कढ़ाई किसी क्या होती है? कंप्यूटर कढ़ाई जो लेडीज सूट होते हैं उसमें कढ़ाई होती है कंप्यूटर से। मुद्रा बैंक जाओ, मैं मुद्रा लोन मिलेगा आपको सरकार से। आदमी को क्वालिफाई भी तो होना चाहिए जो रोजगार मांग रहा है उसके लिए, ठीक है? रोजगार तो सभी मांगते हैं, लेकिन बस वो बात ठीक है ना। अब ये आ रहा है ना कि सुनने में क्या लोन दे रही है सरकार, रोजगार के लिए दे रही है, क्या लोन ले और अपना रोजगार करे। लोन देकर, लोन लेकर रोजगार शुरू कर दो, तो वही तो बात है, मिलना चाहिए ना हमें। और तो लोन ही तो बांट रहे हैं यहाँ पे भाई। वही तो बात है, अब हमें मिल नहीं पा रहा ना। हाँ भाई उसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए ना आदमी को, उसके लिए लोन के लिए फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। तुमने फॉर्म भरा कि नहीं? कहाँ गया? चलो ठीक है, वो फॉर्म भरा नहीं, उसको लोन चाहिए भाई। ये क्या मिलेगा भाई? लोन के लिए ही ये सब मेला लगाया गया है, अगर कोई आगे आएगा तो उसको निश्चित रूप से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। क्या है ये, क्या मिला आपको? इन्होंने लोन तार दिया। अच्छा लोन किसका ये सर्टिफिकेट? मनोज आपका है? हाँ। तो क्या किया आपने मतलब? ये लोन लिया था पिछली बार, दोबारा भरने का लोन लिया था आपने? कितने का लोन लिया था? 10,000 का। तो लोन उतार दिया आपने? हाँ। ये उसी का सर्टिफिकेट है क्या? दूसरा लोन के लिए अप्लाई भरेंगे। दूसरे लोन के लिए कि वेद पाल को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिए गए ऋण की समयबद्ध अदायगी एवं डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है आपके। अच्छा अच्छा, तो अगला आपने 20,000 रुपये के लिए अप्लाई किया? अप्लाई किया 20,000 का। तो यूज किया था आपने पिछले बार जो 10,000 रुपये मिले थे? हाँ यूज। क्या करते हैं आप? फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट का काम? अच्छा फ्रूट का काम, ठेला लगाते हैं? हाँ। तो उससे 10,000 रुपये लेकर के अपना व्यापार किया था। फायदा होता है इससे? हाँ फायदा भी है, सरकार का फायदा तो यही है। क्या मिला भाई आपको? ये कैलेंडर मिला, एक किताब मिली है ये। चलो आ जाओ भाई, जिसको जो मिल रहा है। चुका दिया पैसा? नहीं हमारा तो कहना मैं 10,000 वाला तो चुक गया है, थोड़ा सा हमारा 20,000 वाला रह रहा है, 5 किस्तें 4 करीब रह रही हैं। और ये क्या था, ये 10,000 चुकाने का है? नहीं नहीं ये 20 वाला है, फाइनल होने वाला है हमारा। 20 वाला फाइनल? हाँ होने वाला है। क्या व्यापार करते हो? हमारा तो किराने का काम है। हाँ जी। किराने के काम पे भी लोन मिल जाता? हाँ जी हाँ जी। लोन ब्याज वगैरह भरना पड़ा था कि नहीं? नहीं नहीं इतना कुछ नहीं है, थोड़ा सा जाता है। हाँ तो बढ़िया योजना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 800 रुपये जाया गया था साल 2 साल में। हाँ सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत ही तो नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी। मोदी जी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू तो है ही, मोदी जी को तो थैंक यू सबसे ज्यादा है। तो फिर बाद में फिर किसको वोट दोगे फिर आगे? हमारा तो शुरू से हमारे दादा परदादा बीजेपी वाले हैं, हमारे शुरू से बीजेपी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बीजेपी वालों को ही मिल रहा है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग शुरू से बीजेपी वाले हैं, ऐसे आजाद बिरादरी का वाला कोई हिसाब नहीं है। इस सरकार, इसके अलावा कोई सरकार ढंग का काम भी नहीं कर सकती। समझ में नहीं आई? हाँ, इसके अलावा कोई सरकार काम भी नहीं कर सकती है ना। हमारा संकल्प विकसित भारत जो ये कॉन्सेप्ट है, जो यात्रा हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? योजनाओं को जनता तक पहुंचाना या मोदी जी का प्रचार करना? ऐसा है कि भारत पूरी तरह से विकसित तब होगा जब हर व्यक्ति, हमारा गरीबी रेखा से बाहर होगा, हर व्यक्ति सभी सुविधाओं जिसके पास होंगी, और ये तभी होगा जब इन योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव-गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक होगा। जो लोग आज भी इन लाभकारी योजनाओं का बेनिफिट नहीं उठा सके, लाभ नहीं उठा सके, उन लोग, छूटे हुए लोगों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। दूसरे साथ ही साथ पूरे देश के लोगों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को के अंदर वो सब लोग, पूरा देश उनका सहयोगी बने और उस यात्रा में उनके साथ चले, इस तरह का एक आह्वान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और उसकी शपथ हम सब लोगों को दिखाते हैं कि वो अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, और निश्चित रूप से जो अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे वो भारत की संपूर्णता, उसकी अखंडता के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये संदेश देने के लिए ये यात्रा गांव-गांव जा रही है। अभी अभी आपने संकल्प लेते हुए हाथ आगे किया हुआ था, सबसे आप संकल्प आप लेने की बात कर रहे थे, इसमें एक शब्द ये भी था कि मानसिक गुलामी से भी मुक्ति चाहिए, मानसिक गुलामी से भी मुक्ति चाहिए। है क्या वो मानसिक गुलामी? किससे मुक्ति चाहिए? किस मानसिकता से मुक्ति की बात हो रही है? ऐसा है कि अभी तक जो हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया, तो एक तरह से भारत के युवा पीढ़ी को, भारत के नौनिहालों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश थी। अभी तक का मतलब कब तक की बात कर, किस कितने से कितने साल के बीच की बात? आज भी इस देश के अंदर वो गुलामी के प्रतीक थे जिनको आज हटाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और वो उसी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम मोदी जी कर रहे हैं, वही संकल्प। इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने, उन लोगों को महिमा मंडित करने का काम किया, जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को प्रज्वलित किया, अपमानित करने का काम किया, जिन लोगों ने उनको महिमा मंडित किया था, और यहाँ की जो जवानी थी, यहाँ के जो नौनिहाल थे, उनको वो चीज़ फीड की गई थी और उनको गुलाम बना दिया गया था मानसिक रूप से, उस मानसिकता से बाहर निकालेंगे तो ही मैं समझता हूँ कि सुरक्षित विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है तभी वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने राष्ट्र पर गर्व करेगा, अपने पूर्वजों पर गर्व करेगा, अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व करेगा, तभी राष्ट्र विकसित होगा। जैसे इस तरीके के कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हो गए हैं, तो इसका उद्देश्य कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के चुनाव को भी टारगेट कर लिया जाए और हर जगह लिख दिया गया है मोदी की गारंटी? बिल्कुल, आज मोदी जी अपने आप में गारंटी है पूरे देश के लिए, इसीलिए मोदी की बात पर हर व्यक्ति विश्वास करता है। क्योंकि मोदी जी ने आज तक जितने भी टारगेट लिए हैं वो सब टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं, और अभी भी उन्होंने कहा कि जो हम भारत की अर्थव्यवस्था है उसको 10वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आए, आने वाले टर्म में मोदी जी उसको 30वें नंबर पर लेकर आएंगे और 2047 तक उसको नंबर एक पर लेकर जाएंगे, ये उन्होंने गारंटी दी है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश इसीलिए उनके साथ खड़ा हुआ है कि सबको मोदी पर विश्वास है। जो राजनीतिक क्षेत्र में अविश्वसनीयता का एक माहौल खड़ा हो गया था, उसको, उस धुंधले को, उस कोहासे को दूर करने का मन मोदी जी ने किया है। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, 2047 तक का टारगेट आप लेके रख रहे हैं और हर जगह लिखा हुआ मोदी की गारंटी, भाई एक समय होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एक उम्र के बाद, ऑब्वियसली वह बताया गया कि इस उम्र के बाद जो है 75 साल की एज डिसाइड कर ली गई थी, सांसद बनने की बहुत सारी बातें थी, उसके बाद फिर किसकी गारंटी चलेगी? जो उनका उत्तराधिकारी होगा फिर उसकी गारंटी चलेगी, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी गारंटी चलेगी, जो भी नेतृत्व हो। पर भाजपा की गारंटी लिखनी चाहिए थी ना? हम जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनसंघ और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, हम तभी से हैं इस थीम को लेकर आगे चले हैं, माँ भारती को आगे लेकर चले हैं और उस उद्देश्य को लेकर चले कि परम वैभव पर भारत पहुँचे, उसी उद्देश्य को हम चले हैं। नेतृत्व कोई भी हो, पहले अटल जी थे,
अडवाणी जी थे, मोदी जी अभी शाह जी हैं, जो भी होगा और आगे भी जो होगा वो सब इसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है। और ये गारंटी केवल मोदी जी की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी भी गारंटी है। और जितने भी आज तक हमने कमिटमेंट किए हैं वो सारे पूरे किए हैं, मोदी जी ने भी पूरे किए, आने वाले लोग भी पूरा करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। चेहरे अनेक हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक है, चेहरे अनेक हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक है। आप देखते हैं कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाकी कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं। और संजय चोपड़ा जी चूंकि इसकी पूरी अध्यक्षता कर रहे थे इतने देर से, हम अब ये बताइए मुझे कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से अगर कहा जाए, भाई स्ट्रीट वेंडर्स की बात की जाती है, मैं पीछे देख रहा हूँ कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की बात की जा रही है, क्या है बेसिकली ये, क्या बेनिफिट मिल रहा है अगर हम बोलें कि भाई जो स्ट्रीट वेंडर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है इससे? देखिए बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है कि भारत सरकार की जो योजना है वो कहीं अटके ना, वो कोई बिचौलिया उसके बीच में ना आए। वो चाहते हैं कि सीधी जो योजना है वो अंतिम छोर के जो तक व्यक्ति बैठा है उसको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े अखबारों में छप गए, बड़े बड़े नाम कर लिए, टीवी चैनलों पे अखबारों में तो बहुत छपता है मोदी जी का, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब जो मेरा नज़रिया है, देखिए जब अच्छे कार्य होंगे अखबार में भी छपेगा, टीवी चैनलों पर भी चलेगा, लेकिन वहीं तक सीमित ना रहे। मतलब मीडिया अपना प्रचार प्रसार कर रही है, सोशल मीडिया अपना प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन अंतिम छोर देखिए आज से पहले क्या होता था। मैं 2001 से तमाम रेडी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस उत्तराखंड के अंदर। मुझे आज 22-23 साल हो गए हैं रेडी पटरी वालों की आवाज़ बुलंद किए हुए, और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जो मैंने नहीं किया हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास का घिराव हो, विधानसभा के घिराव हो, ये सब काम मैंने बहुत पहले करके छोड़ दिए। मैं आपको बता दूं अपने बूते पर, अपने बूते पर, और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। आज आप मुंसारी से लेकर पिथौरागढ़ तक और पिथौरागढ़ से लेकर विकासनगर तक आप मुझसे पूछेंगे कि स्ट्रीट वेंडर की क्या कंडीशन है, मैं तुरंत आपको बता दूंगा। मुझे कोई आंकड़े अर्जित नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे जमीनी हकीकत पता है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और मुखिया का, स्टेट के मुखिया का पुष्कर सिंह धामी जी का। ये कोरोना काल में लगातार हम लोग, धामी जी से पहले त्रिवेंद्र जी थे, कोरोना काल के दौरान लगातार हम ईमेल द्वारा, ट्विटर के द्वारा, क्योंकि मैं जो भी कार्यक्रम करता हूँ ट्विटर पे टैग करके बता देता हूँ कि मैंने ये काम किया। आज भी मैं प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट कार्यक्रम बताता हूँ ट्विटर के माध्यम से कि मैंने ये कार्यक्रम किया है। तो हमारी बातों को सुना गया और सुनने के बाद में ये निर्णय लिया गया भारत सरकार द्वारा कि पहले स्वनिधि दी गई, स्वनिधि के माध्यम से फिर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना आई। आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत आप देख रहे हैं दो हाथों को रोजगार मिल रहा है, भयमुक्त रोजगार मिल रहा है। नहीं तो यहाँ ज्वालापुर में यह कंडीशन थी, यहाँ पर कोई भी ठेली नहीं लगती थी शाम को, और शाम को जब ठेली लगती थी तो पुलिस वाले आते थे, उनका सामान जब्त कर लेते थे और डंडे बरसाते थे। अब ये लाइसेंस वाले फॉर्मेट में हो गया। हाँ, आज ये लाइसेंस वाले फॉर्मेट में आ गया। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक दिन ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक दिन हमें ऐसा दें जिसमें स्ट्रीट वेंडर के मुद्दे पर ही बात हो, मन की बात हो, और जितनी योजना चल रही हैं। चूंकि लिखा हुआ मोदी सरकार की गारंटी, तो क्या मतलब भारतीय जनता, ये कार्यक्रम सरकारी है या पार्टी का है? नहीं, ये कार्यक्रम सरकारी है, पार्टी के कार्यकर्ता तो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, इंडिविजुअल संगठन भी चलाते हैंगे, हम रेडी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके हिसाब से हम संयोजक बने हुए हैं उसके। और चूंकि अभी सारी आपने बोला कि योजनाएं जो हैं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं जो मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, लिखा हुआ है मोदी सरकार की गारंटी, तो साथ साथ में ये प्रचार भी किया जा रहा है कि भाई मोदी सरकार ही है जो 24 में आने वाली है, ऐसा कुछ है बताया जा रहा है? देखिए वो तो सच्चाई है, 24 में कौन रोक रहा मोदी जी को, यही तो कह रहा हूँ कि भाई प्रचार भी, इनडायरेक्टली प्रचार भी हो रहा है कि भाई है ना कि भाई ये योजनाओं को पहुँचाने का काम हो रहा है या प्रचार करने का काम हो रहा है? देखिए पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब योजना जाएगी किसी के घर में तो प्रचार तो अपने आप ही हो जाएगा। चुनाव से पहले ही हो रहा है ना, चुनाव से अगर लगातार चल रहे हैं, हर महीने आप उठा के देखिए। अब विश्वकर्मा योजना आ गई, विश्वकर्मा योजना में कौन लोग शामिल है? विश्वकर्मा है कौन? श्रमिक जो अपने हाथ से सामान बनाता है, अपने हाथ से सामान बनाने के बाद भेजता है, वही तो विश्वकर्मा योजना में समाहित होगा। इससे पहले कि आप योजना उठा के देख लें, आयुष्मान जब कार्ड आया तब तो चुनाव नहीं था,
तब तो चुनाव नहीं था, तब जीते थे ना, जीतने के बाद कुछ करना था। वो तो देखो करता ही है, और आज तक देश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इससे पहले आपने देखा सरकारें तो बहुत सारी थी, सरकारें आई भी, लेकिन सरकार कभी सड़क पर नहीं आई। यह सरकार सड़क पर है और सदन में भी है, दोनों तरफ है। तो सड़क का जो विशेष रूप से सड़क पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, वो स्ट्रीट वेंडर की है। और स्ट्रीट वेंडर को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती थी, आज स्ट्रीट वेंडर को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है, स्ट्रीट वेंडर के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। तो हम लोग भी दिल खोलकर जो है मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार है हर तरीके से। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूर्व में ये नहीं कि अब 24 का चुनाव आ रहा है, इससे पहले भी जब चुनाव आया था, इससे पहले चुनाव आया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम योगी मानधन योजना दी थी। श्रम योगी मानधन योजना के तहत तमाम जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसका 50,000 रुपये का 50 साल की आयु होने के बाद में उसको जो है सरकार जो है पेंशन देगी। आज से पहले आपने सुना था कि रेड़ी पटरी वालों को पेंशन मिल रही है, तो रेड़ी पटरी वालों को पहले कहा जाता था अतिक्रमणकारी हैं, अब भारत सरकार कह रही है स्वरोजगारी हैं, तो आज स्वरोजगारी हमारे को कहा जा रहा है, तो ये हमारे गर्व का विषय है। अखिलेश जी धन्यवाद। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरीके से पार्टियों का काम होता है कि किसी भी तरीके से जनता के हर एक हिस्से को, हर एक वर्ग को कैप्चर किया जाए, उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जाए ताकि वो हमारे वोटर्स बन सकें। अब शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने के माध्यम से उनको जोड़ने का काम किया है, और एक ऐसा वर्ग जो एक बड़ा वर्ग है, वो वर्ग अगर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ जाएगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। सबके अपने तौर तरीके हैं, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।